अरे बैठो ना जल्दी, देर हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। बैठ गए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत तेज धूप है और हम लोग आए हैं 7th फ्लोर पे। ये दोनों आर्टिफिशियल घड़ी बनाए हैं, ओरिजिनल तो मिलने का नसीब नहीं है, गरीबी इतनी है। देखिए ये विदिशा है और वो सोमेश है, तो ये दोनों बच्चे अपना अपना घड़ी बना के लगा लिए हैं। इतनी तेज धूप है ना, आंख चकचोनी लग रहा है। हम लोग आए हैं 7th फ्लोर पे और गाय भैंस का तबेला खोज रहे हैं, गौशाला खोज रहे हैं, छत पर से देख देख के कि कहाँ पे, तो गौशाला है कहाँ पे, हम लोग चला जाए दूध दही के लिए, ये दूध लेने, क्योंकि ना जो मीना दीदी हमको दूध देती थी वो अब नहीं दे रही हैं, उनके पास कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। अब वो हमको साफ साफ बोल दी हैं कि जल्दी आएंगे तो जल्दी पाएंगी, अब हम जो तो रात में 2-3 बजे तो नंबर लगा नहीं पाएंगे, वहाँ सब लोग 2-3 बजे रात में नंबर लगा पाते हैं। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के सुबह में 8 बजे फ्री होती हूँ, तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे दूध नसीब नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग छत पे आए हैं। गाय भैंस का तबेला चारों ओर नज़र मार रहे हैं, देख रहे हैं कहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं है, हमारे बेटा बेटी भी तो दूध दही चाहिए, जैसे सब लोग को मिल रहा है वैसे हमको भी तो चाहिए, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। फ्रेंड्स क्या करा जाए, बहुत दुखदाई बात है ये, कितने दिनों से ना दूध नहीं मिल पा रहा है ठीक से, बहुत खोजी नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए, बहुत होपलेस हूँ। ये धूप भी बहुत तेज लग रहा है, मेरा हाथ जल रहा है, एकदम मिर्ची से धूप लग रहा है, ललाट गर्म हो गया है, क्या किया जाए। आप ही लोग कुछ उपाय बताइए, कहाँ से दूध लाया जाए, पुणे में इतने पॉपुलेशन है और दूध लेने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। आप मुँह इधर आ जाओ, बगल में आ जाओ, बीरू गायब हो गई। अरे आओ ना बैठो जल्दी, धूप लग रहा है, इसी में छींक रहा है, छींक नहीं जाएगा, छींक क्या किया जाए फ्रेंड्स, यार एलर्जी भी नहीं जाती है, ना दूध है नसीब हो रहा है ना एलर्जी जा रहा है, झंझट खत्म ही नहीं हो रहा है हम लोग का। क्या इतना होपलेस हम लोग फील कर रहे हैं ना कि मत पूछिए, हम लोग धूप में बैठे हैं बस, धूप सेक रहे हैं, घर में दूध नहीं है, घर में दही नहीं है, सब्जी रोटी बच्चा खाया है, सब्जी रोटी बीरू खाई है, सब्जी रोटी मम्मी खाई है, सब्जी रोटी मैं भी नहीं, मम्मा बीरू तो खा रही है ना, बचा था न्यूट्रीला का सब्जी बनाया, मम्मा बीरू अभी चलेंगे नीचे तो दिखा देंगे आप लोग को, मम्मा बीरू ने तो खाना दिखाया है, बीरू ने खाना दही खाया, खाना दही तो इतनी सी दही था जो लास्ट जोरन के लिए था, वो भी खत्म हो गया, अब तो जोरन भी नहीं है, खाना दही खाया है, सब्जी रोटी भी खाई है, तनी सच्चाई कम बोलो है ना, हरिश्चंद्र मत बनो, तन झूठ बोलो इसमें, नहीं तुमको वीडियो कट करना पड़ेगा उतना दूर, समझे। फ्रेंड्स आप ना, हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि बीरू सच बोले, खुदा ही पूछ लीजिए, बीरू इधर आओ, आओगे कि मारे, ऐ पकड़ के ले आओ यार बीरू को, इधर आओ जल्दी बोलो, तुम क्या खाई हो, खाना सब्जी रोटी खाई हो कि खाना दही खाई हो, जल्दी बोलो इसमें, हमारे पीछे आओ, बोलो जल्दी इसमें, हाँ बोलो कैमरे पे, क्या खाई हो, बोल, हाय राम। अब झूठ कौन बोल रहा है, हम कि मोई कि बीरू, बीरू झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं तो नहीं, वो खाना खाई है लेकिन वो क्या खाई हो तो वो बताएगी ना, हम लोग नहीं बताएंगे। हम कह रहे हैं सब्जी रोटी मुई करा, खाना दही अबीरू करी, कुछ नहीं, भैया कौन है धोखेबाज इन तीनों में से। हाँ इतना तेज धूप लग रहा है ना, जैसे लग रहा है मिर्ची सिर गर्म हो गया है, बाप रे बाप, ये जो ना तन्न तन्न हो रहा है, तप रहा है, बाल एकदम से गर्म हो गया है, अरे बाप रे, मैं इसके ऊपर अंडा पकाया, क्या किया जाता है, अंडा लेके आता पकाए जाते हैं, अंडा कहाँ से, अंडा कहाँ से लाओगे, अंडा है ही नहीं घर में, अंडा भी खत्म है, अंडा भी खत्म है, अंडा भी खत्म है, तो इनको कुछ पकाने के लिए कोई ना तो कोई चीज होएगा, क्या किया जाए फ्रेंड्स, गाय भैंस का तबेला मिलना नसीब नहीं हो पाया, देखते क्या ये पकता भी है, क्या पका रहे हो, पत्ता, अरे पत्ता नहीं पकेगा, पकेगा जरूर, बहुत तेज धूप है, जरूर ना तो जरूर पक के इधर जाएगा, यार बताओगे कि क्या खाए हो, जल्दी बताओ, सब लोग देख रहे इधर, अरे बताओ ना, कुछ नहीं, दोनों भाग गए सब, इन सबको धूप तेज लग रहा है ना तोड़ के भाग गए सब, लेकिन मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं बैठी हूँ, कोई ऑप्शन है दूध दही का, बच्चे फल नहीं खाते, बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, कैसे खिलाए, सांभर बना बना खिलाती हूँ तो खा लेता है, मुँह ही खा लेता है, बीरू नहीं खाती है, वो सॉस खाती है जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है, प्रिजर्वेटिव हेल्थ के लिए इतना डेंजरस है ना, लीवर वीक हो जाता है उससे, किडनी वीक हो जाता है, लंग्स वीक हो जाता है, प्रिजर्वेटिव अगर कंटिन्यू खाते रहो तो, एलर्जी जाती नहीं है,
बच्चे सुधरते नहीं है, मन तो करता है दो दो लाफा लगा दें दोनों को, अपने ही बच्चे हैं ना, चाह के भी कहती हूँ कि छोड़ दो छोड़ दो, चटनी रोटी खा लो, धनिया की चटनी रोटी खा लो, नहीं खाते हैं सब। आज ही जा गई हूँ मैं इन सब उसे, आज स्कूल नहीं भेज पाई, इसका ड्रेस नहीं धुला है, मुझे नहीं पता था कि मशीन में ड्रेस पड़ा हुआ है, मैं भूल गई धोना, अब मैं जब कपड़े खोज रही हूँ इसको भेजने के लिए तो देख रही हूँ मशीन में पड़ा है दो दिन से, अब एक गलती ये हो गया, क्या किया जाए, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मेरा तो, बहुत होपलेस हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ना दूध दही मिल पा रहा है टाइम पे, सब्जी भी न्यूट्रीला का सब्जी बना दिए हैं, काम चल रहा है, चटनी ये सब खाते नहीं है धनिया की, नहीं तो हम धनिया की चटनी पी देते हैं, नारियल टमाटर डाल के बहुत मस्त चटनी बनता है, मुँह ही खाली कहता है हाँ मम्मी बहुत अच्छा, लेकिन खाता नहीं है, चुटकी भर खाएगा, एक चम्मच देंगे तो एक चुटकी खा लेगा, कहेगा मम्मी बहुत अच्छा है, तो ये झूठी बड़ाई से क्या फ़ायदा है, अच्छा है तो खाओ, नहीं अच्छा है मत खाओ, साफ बोल दो कि नहीं अच्छा है नहीं खा पाएंगे, अभी तो मेदू वड़ा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए वो उड़द का दाल चावल भिगोए हैं, उसी का बना देंगे बड़ा खा लेंगे सब, सादा सादा, उसके लिए दूध दही नहीं चाहिए, अब दूध दही के लिए छत पे आए हैं खोज रहे हैं लेकिन कहीं हमको दिख नहीं रहा है गाय भैंस का तबेला, कहाँ जाया जाए, डेयरी पर से लेते हैं तो पानी मिला के हलाहल पानी रहता है उसमें, प्योर दूध रहता ही नहीं है, 70 रुपये लीटर चल रहा है दूध, लेकिन तब भी प्योर नहीं मिल रहा है, अरे पैसे ले रहे हो तो पैसे का जो तो वसूली तो करो, 70 रुपये ले रहे हो तो 1 लीटर दूध तो दे दो प्योर, हमारा भी बेटा बेटी जन जी ले गए खा के, कि शुद्ध दूध हमें नसीब ही नहीं होगा, गाय भैंस यहाँ पाल नहीं सकते सोसाइटी में, नहीं तो हमारा जो पार्किंग है हम उसमें गाय भैंस खड़ा कर लेते अपना पालते, फ्लैट में रहने वालों की अलग मजबूरी है, फ्लैट में जैसे लगता है ना घोड़ा गधा जैसे भेड़ बकरी रहते हैं सब ना, वैसे फ्लैट में रहते हैं सब, तरे ऊपर तरे ऊपर, ना छत है ना जमीन है, कितना दुख है, और सारी जिंदगी बंधुआ मजदूर बन जाओ, रेंट का रेंट भरते भरते लोन भरते भरते, पैसा होने के बाद भी कोई सुख नहीं है, जीवन एकदम से तबाह हो गया है, आज होपलेस फील कर रही हूँ इसलिए आप लोग से बोल दे रही हूँ साफ साफ, बहुत होपलेस हूँ मैं आज, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, बच्चे के लिए दूध दही नहीं है घर में, बस पैसा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, शुद्ध दही नहीं मिल रहा है, सब्जी रोटी खाते नहीं है सब, फल कम ही खाते हैं सब, कम खाते हैं, अनार खाते हैं सब, अनार और एप्पल बनाना यही सब, पाइन एप्पल वगैरह नहीं, फल तो खाता है, मुँह ही खाता है, बीरू नहीं खाती, बीरू खाली अनार खाती है, फल तो ठीक है, फल तो मैं खिला भी लेती हूँ फुसला फुसला के, सब्जी नहीं खाते हैं सब, सांभर बनाना पड़ता है, अब रोज़ रोज़ सांभर बनाओ तो इनके डैडी नाराज होते हैं, कहते हैं क्या बना के रख देती हूँ, रोज़ रोज़ एक ही खाना एक ही खाना, वो अलग गुस्सा करते हैं मेरे पे, वो कहते हैं तहरी बना दो, तहरी बना देते तो तहरी मुँह ही खा देता, डैडी खाते, बिरू नहीं खाती है, फिर घर में रहने वाले 4 सदस्य और चारों के 4 प्रॉब्लम, किसका किसका सुने, एकदम से जिंदगी तबाह हो गई है।